हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर आप हमारे चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। और आज आपको मैं एक बार फिर इसलिए रूबरू होना पड़ रहा है कि हम बहुत सारे लोगों के सामने आज एक बार फिर, मुझे लगता है कि जैसे नोटबंदी के दौरान जिस तरह की सिचुएशन पैदा हो गई थी लोगों के सामने, ATM के सामने लंबी लंबी कतारें और बैंक में भी, और लोगों को कैश में पैसा नहीं मिल रहा है, और जिस तरह से नोटबंदी के दौरान लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, ठीक उसी तरह से आज जो यस बैंक के जो कस्टमर जो इंडिया में हैं उनको आज सुबह जैसे ही खबर आई तो सब लोग बैंक और ATM की तरफ दौड़े। लेकिन तब तक RBI ने अपना, क्योंकि पूरा जो यस बैंक है उसको अपने अंडरटेकिंग कर लिया है 30 दिन के लिए, क्योंकि यस बैंक की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई है, जिस कारण RBI ने आज तय किया है कि 50,000 रुपये तक वे लोग नगद राशि निकाल सकते हैं ATM से या बैंक से। लेकिन इस बीच उन्होंने कुछ कंडीशंस भी रखी हैं कि अगर आपको किसी तरह की इमरजेंसी होती है, खास तौर से अगर कोई परिवार में शादी है, अगर आपको पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए या आपको इलाज के लिए में खर्च करने के लिए पैसा चाहिए तो आप उसमें आप अतिरिक्त पैसा ले सकते हैं। लेकिन फिर भी आज दिल्ली और राजधानी जयपुर सहित और कई शहरों में बैंक और ATM में लोग पैसा अपना नहीं निकाल पाए, और लोगों के सामने अब ये एकदम से संकट आ गया है कि उनका पैसा कहीं डूब तो नहीं जाएगा, क्योंकि दिन भर से जिस तरह से समाचार चैनल्स में और सोशल मीडिया पे यस बैंक को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं कि यस बैंक डूब जाएगा। लेकिन RBI ने और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने लोगों को आश्वस्त किया है कि वे बिल्कुल डरे नहीं और उनका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है। और खास बात यह है कि ये जो पैसा है वो डूबने वाला नहीं है, क्योंकि बैंक ने कुछ ऐसे लोगों को लोन दे दिया, बड़ी कंपनियों को, जो चुका नहीं पाई कंपनियाँ, और ये बैंक लंबे समय से लॉस में जा रहा था, और इस कारण ये संकट आ गया आज इस लेवल पे कि बैंक के सामने देनदारियां ज़्यादा हो गई और उसका जो सोर्स ऑफ इनकम, या ये यूँ कहें कि जो उसकी लोन की जो राशि थी वो नहीं आ पाई। तो आइए, मैं एक इस बैंक की एक फैक्ट फाइल मैंने एक बनाई है, मैं आप उसे शेयर कर रहा हूँ। इससे पहले मैं एक बात और बता दूँ कि जिन लोगों का यस बैंक में सेविंग अकाउंट्स में 5 लाख रुपये तक जमा है, उनको किसी तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो इस बार के जो बजट में ये तय कर दिया था कि 5 लाख रुपये तक जो लोगों का राशि बैंक में जमा है उन उसके ऊपर बीमा है, और अगर बैंक अगर डूब भी जाता है तो उनका 5 लाख रुपये तक का धन सुरक्षित है। और हाँ, यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूँगा कि उन लोगों के लिए थोड़ा संकट जरूर हो सकता है जिनका FDR करोड़ों रुपयों में है, क्योंकि उनके सामने एक बड़ा संकट आ सकता है। तो मैं आपको बताऊं कि 2019 में बैंक के ऊपर 380,826 करोड़ रुपये का ये बैंक था, और इंडिया में चौथे नंबर का ये सबसे बड़ा बैंक था। लेकिन आज उसकी स्थिति ये होगी, 241,500 करोड़ रुपये का कर्ज है इस बैंक के ऊपर, और इसका NPA इतना बढ़ गया, इसी कारण RBI को अंडरटेकिंग करना पड़ा, और इन्होंने तुरंत इसका जो मैनेजमेंट जो बोर्ड है उसको भंग किया, और जो SBI के जो एक्स डिप्टी मैनेजिंग जो डायरेक्टर हैं प्रशांत कुमार, उनको नया बैंक ने प्रशासक लगाया है, जो कि आगामी आदेश तक यस बैंक के सारे कामकाज वही देखेंगे और उनकी देखरेख में ये बैंक के सारे काम होंगे। और फाइनली मैं यस बैंक के जितने भी कस्टमर्स हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि वो धैर्य बनाए रखें, क्योंकि आपका पैसा सुरक्षित है, कुछ समय जरूर लग सकता है लेकिन आपको पैसा मिलेगा जरूर। बैंक की ये जो अभी वर्तमान जो स्थिति है, इस स्थिति को देखते हुए भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय जीवन बीमा निगम ये दोनों मिलके आने वाले दिनों में इस बैंक को अंडरटेकिंग या इसमें कुछ शेयर होल्डिंग, ये लोगों के लिए मददगार साबित हो सकते हैं, जिससे कि ये बैंक वापस, या तो ये लोग इसको रन करेंगे या ये बैंक इंडिपेंडेंट रूप से वापस एक सशक्त रूप में वापस उभर के सामने आएगा। लेकिन अभी ये स्थिति पूरी तरह से तय नहीं हो पाई है कि इन लोगों की शेयर होल्डिंग कितनी रहेगी और उसके क्या क्या टर्म्स ऑफ कंडीशंस रहेंगी। लेकिन जिस तरह से आज सुबह सरकार की ओर से एक संकेत आ रहा है कि SBI और ये जो भारतीय जीवन बीमा निगम है, ये लोग इसको अंडरटेकिंग कर सकते हैं, तो दोनों स्थितियां अच्छी हैं जिन लोगों का बैंक में पैसा जमा है उनके लिए,
क्योंकि अगर LIC और भारतीय स्टेट बैंक, क्योंकि दोनों ही बड़े उपक्रम हैं और दोनों की अगर अंडरटेकिंग रहती है तो लोगों का पैसा मिलने में आसानी रहेगी। और अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि सरकार और ये जितने भी संस्थान हैं, ये किस तरह से इस बैंक को वापस खड़ा कर सकते हैं या इसकी जो अर्थव्यवस्था है उसको कैसे ट्रैक पे लेके आएंगे। लेकिन फिलहाल लोगों को जो है अपने जमा जो धन है उसको निकालने के लिए एक बार फिर से ATMs के आगे और बैंक में चक्कर लगाने पे मजबूर तो कर ही दिया है। तो अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, और जैसे ही हमें कोई नया अपडेट मिलेगा हम आपके सामने एक बार फिर रूबरू होंगे। और अगर आपने अगर अभी तक हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, और उसके पास में जो बेल आइकॉन लगा हुआ है उसको भी दबा दें ताकि हमारे जैसे ही हम लोग कोई नया वीडियो बनाते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।